दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 14 सितंबर 2021 है। आज की देववाणी जनवाणी, दो तीन कॉफ़ी और बनाना। अरे लाली, दो तीन कॉफ़ी और बनाना। मैंने बच्ची को बोल दिया है, परमात्मा लोग आ गए हैं। वैसे तो खैर परमात्मा का स्वागत करना ही पड़ता है, लेकिन मेरे को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। कितना मधुर संगीत चल रहा था, कितना चाय का प्याला चल रहा था। भाई आओ बैठो, आपका भी स्वागत है। दोस्तों अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। यह दुनिया इसी तरह से तिलस्मी है। अभी मैं जो एक गाना सुन रहा था, मुझे ये पता नहीं मैं मंगल कहाँ हूँ, किस दुनिया का वासी हूँ, भारत का वासी हूँ। मैं एक तिलस्मी दुनिया में घूम रहा था। यह सुंदरी मेरे सामने गाना गा रही थी और मैं सोच रहा था कि यह मेरे लिए गा रही है। और सुंदरी बड़ी अच्छी थी, देखो क्या बाहों पर जीने जीने कपड़े थे, और वह मैं मन ही मन मुग्ध हो रहा था। दैट सी सिंगिंग फॉर मी। लेकिन देव लोग आगे, अब भाई इनका भी काम करना है। भाई इनके लिए तो चाय बनती रहेगी, अपनी कॉफ़ी को तो ठंडा मत करो, पी लो। भाई आप लोग भी पियो। राजस्थान में तो भाई ये कहते ही हैं, खाना खा रहे हो तो खाना खाओ भाई, चाय पियो तो चाय पियो भाई। और लोग भी फिर वापस में कहते हैं कि भाई पियो भाई, बहुत पियो, भगवान बहुत दे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी मेरे लिए यही बोल दीजिए, फिर मुझे तो ज़्यादा कॉफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ मिलेंगी। चलो अब भगवान आ ही गए हैं तो भाई वीडियो बनाना, इनकी नौकरी कर रहे हैं, चलो अपना काम शुरू करते हैं। अरे सब लोग क्या बोल रहे हैं, सब लोगों ने क्या बोलना शुरू किया। अरे ये क्या, अरे ये क्या, पूरा भारत इस मंगल की इच्छानुसार, पूरा भारत इस मंगल की इच्छानुसार ही, आदेशानुसार ही नहीं, इसके अंडर द थंब कार्य कर रहा है। उन देव शक्तियों ने भाई मुझे ये लिखाया, यही बताया, यही वो बोल रहे थे क्या। अरे ये क्या, पूरा भारत इस मंगल की इच्छानुसार, इसके आदेशानुसार ही नहीं, अंडर हिज थंब कार्य करता है, कर रहा है। भाई खूब रही, उन्होंने देव शक्तियों ने बोला है। तुम कहोगे कि भाई मंगल ये आज क्या कर रहे हो। पहले तो देव शक्ति, जन शक्ति, जनवाणी, देववाणी बोलते थे, आज तुमने उन सबको हटा दिया और अपनी अपनी बोलने लगे। दैट होल ऑफ इंडिया इज वर्किंग एज पर डिजायर ऑफ दिस मंगल आर एंड आर ऑर्डर ऑफ दिस मंगल एंड अंडर द थंब ऑफ दिस मंगल। भाई मैं क्या करूँ, देव शक्तियों ने आज ऐसा ही बोल दिया। भाई उन्होंने बोल दिया तो मैंने भी कह दिया, भाई ठीक है। ये हमारी सुबह सुबह की वार्तालाप थी, अब दिन में देखा जाएगा, जैसा भी होगा भगवान देगा। अब मैं ये मंगल बोल रहा हूँ उनसे, भाई सुबह सुबह सवा तीन बजे अरे तुम मुझे ये क्या लिखा रहे हो लल्लू फरिश्तों। भाई फरिश्ते लोगों, मुझे तुम भी लल्लू ही लगते हो मेरे जैसे। अरे सुबह सुबह तुम मुझे क्या लिखा रहे हो, तुम मुझे भी अपने मायावी जैसा बना देना चाहते हो, तुम मुझे भी मायावी जैसा बना देना चाहते हो। अरे भाई तुमको तो कोई जानता नहीं, तुम्हारी आवाज़ तो कोई सुनता नहीं। अरे भाई मुझे तो एग्जिस्ट करने दो ऐसे ही। मैं उनसे कहने लगा, क्यों ऐसा लिखा रहे हो। उन्होंने क्या लिखाया, अरे ये क्या,
पूरा भारत इस मंगल की इच्छा अनुसार, इसके आदेश अनुसार ही नहीं, अंडर हिज थंब कार्य कर रहा है। मैंने कही भाई लिख देता हूँ, नहीं मानते तो चलो एक चाय और घूंट और पी लूँ। भाई आप सब लोग भी कॉफ़ी पीने आ जाओ और बनवा दूँगा। फिर क्या हुआ, अब फरिश्ते बोले, अरे मंगल तुम उस अल्टीमेट फार्मूला को जानते तो हो, फिर भी उसे क्यों भूल जाते हो और हमारे ऊपर दोष देते हो? अरे मंगल तुम उस अल्टीमेट फार्मूला को क्यों भूल जाते हो फिर हमारे ऊपर दोष दे रहे हो? व्हाट इज़ दैट फार्मूला? URWUTYR व्हाट इज दैट अल्टीमेट फार्मूला? URWUTYR तुम कहोगे भाई मंगल, ये कोडवर्ड में मत बता करो, सही सही बता दो। अरे भाई लोगों मित्रों, मेरे पास बहुत फार्मूले हैं, तुम उनको कैच भी नहीं करते, तुम्हारे वो क्या काम आएंगे? तुम थैंकफुल तो बनते नहीं, मेरे शेयर भी नहीं करते। अब बता मैं सारी चीज़ों को तुम्हें कैसे बता दूँ? भाई मैं भी दुनिया में थोड़ा थोड़ा चालाक हो गया हूँ, इसलिए कोडवर्ड से काम चला लेता हूँ। तुम कहोगे कि भाई अब ये लिख दिया तो इसका तो पूरा डिटेल बता ही दो, ये क्या है? URWUTYR ये बड़ा अद्भुत फार्मूला है, ये बड़ा सिंपल है, ये एक अल्टीमेट फार्मूला है। URWUTYR क्या है? You are what you think you are। अरे तुम वही हो जो सोचते हो कि तुम वो हो। अरे अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम तो सोच रहे हैं कि भारत के प्रधान हैं तो बन जाएंगे, हम तो सोच रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो क्या बन जाएंगे? ये फार्मूला कहता है कि हाँ बन जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते कि तुम इस फार्मूले को सिद्ध कर लो। तो हम तो कह देंगे भगवान बन गए तो बन जाओगे, हाँ बन जाओगे, और बन जाओगे ही नहीं, You are already that whole। What you think you are। सिर्फ आपको थिंक करना है। तब मैं सोचने लगा कि ये फरिश्ते यार मुझे क्यों कह रहे थे कि अरे क्या ये क्या पूरा भारत इस समय इस मंगलम की इच्छानुसार आदेशानुसार ही नहीं अंडर हिज थंब कार्य करता है कर रहा है। हाँ भाई मैं सोच रहा हूँ और मेरे भी ये मुझे भी ऐसा ही लगता है। और सुनो, दिस इज मिलियन डॉलर फार्मूला मित्रों। इससे कोई कीमती फार्मूला मुझे आज तक नहीं दिखा। What you think you are। लेकिन जो भी बिगिनर हैं, जो इसको पहली बार सुन रहे हैं, इस मंगल को भाई को याद कर लेना, क्योंकि ये लॉक्ड है, ये अनलॉक्ड तब होगा। बहुत सी इसी पर आधारित है चीज़ें, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम कृतज्ञ नहीं होते, कृतघ्न होते हैं। अरे कृतज्ञता से क्या चीज़ याद आ गई? अरे क्या चीज़ याद आ गई भाई, सुन लो, कल वो रूपाणी की जगह पटेल साहब नए चीफ मिनिस्टर बने ना गुजरात के, तो उन्होंने धन्यवाद देने के लिए क्या ट्वीट किया कि भाई शाह साहब मोदी साहब हमें प्रधान मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम अपनी कृतज्ञता प्रकट कर दें। ट्वीट को देखना, मैं भी हंसने लगा।
हमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए, इनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और फिर जैसे ही उनको पता चला कि भाई कृतज्ञता की जगह कृतज्ञता हमने यूज कर दिया, फिर उसको डिलीट करके सही करने लगे। आप ऐसा मत करना, जनरली ज़्यादातर लोग ऐसी गलती करते हैं। जल्दी कर भाई मंगल, जल्दी कर, अपने वीडियो को 12 मिनट का हो गया। हाँ तो दोस्तों, मैं सीधा सा छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन वैसे ही नहीं बोल रहा, मैं कोई कॉमेडियन नहीं, कोई बकबक नहीं, मैं कभी कभी मजाकिया मूड का आदमी हूँ, इसलिए मजाक करता रहता हूँ, लेकिन मैं बड़ी गहराई से चीज़ों को ढूंढ कर लाया हूँ। आगे क्या है भाई, ये देववाणी कौमा, जनवाणी कौमा, मंगलवाणी कौमा, सुप्रीमवाणी कौमा, दयावाणी, इसको मैंने देखो ऊपर ऐसे ही नहीं लिख रखा, देववाणी कौमा की जगह इज इक्वल टू जनवाणी, इज इक्वल टू मंगलवाणी, इज इक्वल टू सुप्रीम वाणी, एटसेट्रा एटसेट्रा। छोटे से इस फेर से ही आपके जीवन में कुछ का कुछ परिवर्तन हो जाता है। इज इक्वल टू बनाने का मतलब आप ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, आप ऐसा सोचते हैं, और जैसा आप सोचते हैं ऐसा ही हो जाता है। भाई क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं फिर वैसा करते भी हैं, जब जैसा आप करते हैं वैसा बनते भी हैं, बनते हैं तो फिर यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। हमारे वीडियो बनाते बनाते हम और देव पुरुष बात ही कर रहे थे, ये चढ़ूनी साहब भी बीच में आ गए। अरे भाई आ जाने दो, ये क्या चढ़ूनी साहब बोल रहे हैं, ये क्या मैं बोल रहा हूँ। अब आप चढ़ूनी साहब से ही एक रिसेंट भाषण की क्लिप सुनिए चढ़ूनी साहब का, क्योंकि ये आ गए हैं सुनाने के लिए, मेरे सामने खड़े हैं। चढ़ूनी साहब क्या कह रहे हैं? अरे खटर पटर, अरे खटर पटर, तुमने अपने लोगों को लाठी चलाने का आदेश दे दिया, कहीं हमने भी दे दिया तो। चढ़ूनी साहब क्या बोल रहे हैं? अरे खटर पटर, तुमने अपने आदमियों को लाठी चलाने का आदेश दे दिया है पुलिस को, और हमने भी दे दिया तो। चलो आप खुद ही सुन लीजिए, मेरे सामने खड़े खड़े वो देखो खटर पटर को बोल रहे हैं। अगर ये लाठी चार्ज का ऑर्डर कहीं तुम्हारे ऊपर हमने दे दिया ना, तो ये तुम्हारे जेजेपी वाले बीजेपी वाले मुंह नहीं करेंगे गांव की तरफ। हम रोक रहे हैं अपने लोगों को, इसलिए रोक रहे हैं कि हम बर्बादी नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम लोकतांत्रिक तरीके सुन ले। अगर ये लाठी चार्ज का ऑर्डर कहीं तुम्हारे ऊपर हमने दे दिया ना, तो ये तुम्हारे जेजेपी वाले बीजेपी वाले मुंह नहीं करेंगे गांव की तरफ। हम रोक रहे हैं अपने लोगों को, इसलिए रोक रहे हैं कि हम बर्बादी नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार मांग रहे हैं। लेकिन इतने कमजोर मत जानिए, इतने कमजोर मत जानिए देश के किसानों को। बहुत गुस्सा है हमारे भाइयों में, लठ उठा के जाते हैं, बहुत गुस्सा है। कदर करते हैं हम, सलाम करते हैं आपके क्रोध को और आपके जोश को, लेकिन उसके साथ हमने होश जरूर बना के रखना है, हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। मोदी सरकार इतना कमजोर भी ना समझे, 10 महीने सड़कों पे बैठे को हो गए हैं, साल होने वाला है, कहीं हमें ये फैसला ना लेना पड़े कि अब तो दिल्ली घेराव था, अब मोदी के घर का घेराव होगा। हमारी जो कमेटी है, जो संयुक्त मोर्चा है, हम भी उसी में शामिल हैं, केवल उसके आदेश की तरफ देख रहा है कि कब वो आदेश दे और कब हम दिल्ली को फतेह करें। अरे भाई सुन रहे हो, दिस इज सिंह इज किंग, दिस इज सिंह इज किंग, 20 रुपए किलो खरीद के 50 रुपए किलो बेचेगा।
सुन लो और अब मेरी भी सुन लो। अरे चुडुनी साहब, माई डियर सर, माई डियर लीडर, अभी आप अपने लोगों को आदेश देंगे, लेकिन ज़रा मेरी भी सुन लो, ज़रा इस देववाणी को भी सुन लो, जनवाणी को सुन लो, इस मंगलवाणी को सुन लो। चुड़ी चिडुनी साहब, वह जिस आदेश की आप बात कर रहे हो, वह आदेश तो पहले दिया जा चुका है। वह आदेश जो अपने आदमियों को आप दोगे, अभी जो सोच रहे हो, वह आदेश तो पहले ही दिया जा चुका है उन देव शक्तियों द्वारा, उन हालातों द्वारा, उस जनशक्ति द्वारा, उस मंगलवाणी द्वारा। देखा जमाना कितना एडवांस है, तुम जिन फोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हो लगता है, उनके साथ तो पहले ही ऑपरेट किया जा चुका है, उन्हें ये आदेश दिया जा चुका है कि वैसा करें, क्योंकि इसके बिना हालात सुधरेंगे ही नहीं, क्योंकि लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। आज नहीं मान रहे हैं, न पहले मानते थे, न आगे मानेंगे। तुम्हें एक बार तो लातों को, भूतों को लात दिखानी ही पड़ेंगी, उसके बाद चाहे इशारों से काम चल जाए कि भाई इसके पास लात है, इसके पास लाठी है। इसलिए चिडुनी साहब, द सिंह इज किंग, यह तो आपको करना पड़ेगा। और यह भी कि यह मंगल क्या बोल रहा है, जो मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला और बोलता रहता हूँ, क्योंकि भारत को तो बचाना है, इसके लोगों को बचाना है। आप और मेरे जैसे, मैं तो फिर भी टीनी सा हूँ, लाखों लोग अपने घरों घरों में बंद रह कर ही तपस्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, शब्दों को बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द एक बड़ी शक्ति है। सो ये पहले ही डिजाइन हो चुका सर, और ऐसा ही होगा जो मैंने कहा है, क्योंकि मैंने नहीं कहा, जन जन ने कहा है, देवों ने कहा है, फरिश्ते ने कहा है, आपने भी कहा है, चाहे किसी को पता चले नहीं चले। और सुनो क्या है, इन दोनों तीनों की हालत अब बहुत बुरी हो गई है, चाहे इन्हें पता हो नहीं हो, आप और किसी को पता नहीं हो, इन दोनों तीनों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। इनकी हालत ऐसे ही है, यदि मैं अनपार्लियामेंट लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, इनकी हालत ऐसी है जैसे एक बकरी की हालत है, दुकान में बंधे हुए या खेत में चरे हुए, लेकिन उसको पता नहीं कि कब नंबर आ जाए। वैसे इस प्रकृति की प्रयोगशाला में हम सब की हालत ऐसी है। देखो ये क्या लूट कर ले जा रहे हैं, देखो ये सने सने अपने घर में सो रहा है और इसको विप्लव का पता नहीं है, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रही है। सबके साथ भयानकता हो जाएगी यदि ये नहीं चेते तो, क्योंकि इस दुनिया में होता है एक खास पैटर्न के अनुसार, खास नियम के अनुसार। इसलिए मैं लोगों को जगाता रहता हूँ, कुछ भाई तुम भी उड़ीण हो जाओ, लोगों का कर्जा चुका लो, तुमसे हो जाए तो। देखो अब ये मेरी बिल्ली आ गई है, मैंने इसके लिए, देखो वो बैठी सामने, दूध नहीं मंगाया, अब मंगाऊंगा, पहले आई नहीं। इसलिए दोस्तों मेरी सारी भविष्यवाणी देख लो, मैंने क्या कहा है, 66.66 तो इसके अनुसार ही होगा, क्योंकि इनका नियम ही ऐसा है, क्योंकि इनका जो टाइम स्पैन होता है उसमें चीज़ें और घटित हो चुकी होती हैं, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट हो सकती हैं, या ईश्वर हमारे भले के लिए थोड़ा उनको मोल्ड कर सकता है,
लेकिन होगा तो ऐसा ही। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, चलो मुझे फिर वही मनोरंजन करने दो। आपका तो क्या है, सुने नहीं सुने, कमेंट भी करें नहीं करें, शेयर करें कि नहीं करें, इस दुनिया को तो बस माल दे दो माल, चाहे वो धन का हो, जन का हो, ज्ञान का हो, मोक्ष का हो, भाई पता चलना चाहिए माल है, फिर वहीं चक्कर लगाएंगे। और जहां माल नहीं उधर वे देखेंगे भी नहीं। चलो, अरे मंगल तू क्यों नुकसान में रहता है, सूरज पता नहीं क्या चीज लाएगा क्या नहीं लाएगा, नया सूरज उदय होगा, तुम तो ये इन गानों में खो जाओ। कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये लता मंगेशकर की आवाज़ है कि आशा भोसले की है कि ये अलग सिंगर मित्रा की आवाज़ है। कैसे कलाकार हैं, उनकी तपस्या है। भाई वीडियो तो बंद करें, नेट पर सुन लेना। आज इतना ही, जय हिंद जय भारत। हाँ ये सुन लो, ये सारे फर्जी लोग, ये नकली लोग, ये दुष्ट लोग भागने वाले हैं, कुछ पकड़ लिए जाएंगे, कुछ मार दिए जाएंगे, कुछ ग्रिल के अंदर होंगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही परमात्मा को करना पड़ेगा, जन जन को करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। यू आर वाट यू थिंक यू आर, जो आप सोचोगे वही हो जाएगा। जब तुम ऐसी हस्ती हो मित्रों, क्यों चिंता करते हो। इफ यू थिंक यू आर किंग, यू आर किंग। इफ यू थिंक यू आर गरीब, यू आर गरीब। इतने अद्भुत फार्मूले, इतनी अनंत शक्ति तुम्हारी इस जिह्वा में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे आसपास घूम रही है। और तुम कह रहे हो कि भाई ये फरिश्ते आते होंगे, ये सचमुच में आते हैं। आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।